ओ केवड़ा केवड़ा एंगल तो सही से यूज किया है लकड़ी। आहा कैसे रोकेंगे इस आदमी को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। और आज फिर से अक्षय कुमार का एक और मूवी आने वाला है। मूवी का नाम है कठपुतली, उसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है और अक्षय कुमार का दिमाग ठिकाना पर आ गया है। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार में आने वाला है। ये मूवी हॉल में नहीं आने वाला। लगातार 4 मूवी उसका फ्लॉप होने के बाद में कोई भी आदमी बूझ सकता है कि हाँ कहाँ अब मूवी रिलीज करना है। तो ये कठपुतली रंगास्तम एक तमिल मूवी है, रंगास्तम या समथिंग, मैं वो देखा हूँ, तो उसी का ये रीमेक है और वो हिंदी में आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ये सोच कर रखा है कि वो उसको मैं हॉल में कहूँगा तो फिर फ्लॉप होगा, इसलिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार में रखा है। तो अक्षय कुमार एंड रकुलप्रीत सिंह का स्टार कठपुतली। चलिए दोस्तों, ये ऑफिशियल ट्रेलर देखने चलते हैं। तो आप लोग भी देखना चाहते हो डिसीजन लिंक जाकर देखिए। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट। ओके, पूजा एंटरटेनमेंट। वंस अपॉन अ टाइम इनको ओ केवड़ा केवड़ा एंगल तो सही से यूज किया है। ओ वी आर डीलिंग विद द पोटेंशियल सीरियल किलर। ओ अक्षय कुमार, पूरा सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाला है। पब्लिक स्पेस में बॉडी छोड़ता है। ओके, पुलिस बॉडी तक नहीं पहुंचती, वो बॉडी पुलिस तक पहुंचाता है। ओके, दो मर्डर्स हो चुके हैं इवन एज वी टॉक। वो एक कूलिंग ऑफ पीरियड में तीसरी की तैयारी कर रहा है। ओह लकड़ीप्रीत, आहा कैसे रोकेंगे इस आदमी को। सीरियल किलर के साथ पावर नहीं, माइंड गेम खेलना चाहिए। ओके, माइंड गेम खेलना चाहिए। कठपुतली, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है अभी। पूरा कसौली सील करना पड़ेगा। भाई एक्टिंग तो अच्छा लग रहा है अक्षय कुमार का, कुछ बोलो। किलर शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो जो भी है जहाँ भी है एक गलती जरूर। ओह पूरा सस्पेंस होने वाला। किलर अचिलर अथिलर। ओके बासु भगनानी। डायरेक्टेड बाय रंजीत। सितंबर 2। ओके अच्छा, डिज्नी प्लस ओरिजिनल। देखो जो ये मूवी का, जिस मूवी का रीमेक है ना, वो मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर था ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो बहुत ही टॉप नॉच था। और थ्रिलर तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब मज़ा आ गया था लिटरली। और सस्पेंस भी मतलब कमाल के था। जो इसमें एक्टिंग किया था उसमें, वो भी बहुत मज़ा था। तो इसमें एक्टिंग जो पूरा एकदम एडेप्टेशन, मतलब पूरा रीमेक ऑफिशियल है तो पूरा सेम लग रहा है कि हाँ वो मतलब कत्ल करता है और कत्ल करके मतलब बहुत ऐसा, मतलब बहुत ही दिमाग से कत्ल करता है, फंसता नहीं है। पर हीरो चाहता है कि उसको फंसाना चाहिए तो दिमाग से खेलता है, ऐसे किस्म के बनाया गया है। वो पूरा सेम है, पर मुझे थोड़ा चुक रहा है इसमें म्यूजिक पर, क्योंकि उसका म्यूजिक एवरग्रीन मतलब इतना कमाल का था। और इसमें उतना मतलब, इसमें भी म्यूजिक ठीक है, म्यूजिक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक खराब है, पर उस लेवल का म्यूजिक नहीं है जो उसमें म्यूजिक था। और बाकी इसमें जो लकड़ीप्रीत का एक्टिंग है ना, वो बहुत कम लग रहा है। उसमें ज़्यादा था जो हीरोइन का एक्टिंग था, उसमें ज़्यादा था, इसमें कम लग रहा है। अब शायद ये ट्रेलर में इतना कम है कि मूवी में इतना कम है, वो पता नहीं है। आप लोग 2 सितंबर को आप लोग देख सकते हैं मजा से डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो ये रीमेक है तो बहुत अच्छा चॉइस है कि हाँ OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज कर दो, काम बन जाएगा, आप लोगों को मूवी के रुपया मिल जाएगा। तो ये मूवी में जो एक्टिंग है ना, स्पेशली अक्षय कुमार के, ऐसा किस्म के मूवी में अक्षय कुमार अच्छा एक्टिंग करता है। सस्पेंस थ्रिलर जो खोजने वाला है, या जो मतलब ऐसा मतलब कि हाँ उसमें सिर्फ माइंड के या मतलब चलना, मतलब ऐसा होता है ना कि आप हीरो को नहीं कहानी को देखने आया हो, तो ऐसे में अक्षय कुमार फिट बैठता है। तो इसमें अच्छा लग रहा है, इसमें मतलब जो आवाज़ भी है, जो डायलॉग डिलीवरी भी है, और जो फेस एक्सप्रेशन है, और जो इसमें मतलब एवर ओवर ऑल ओवर द जो जो भी इसमें है ना, वो अच्छा लग रहा है। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अच्छा मूवी चले, चाहे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो, चाहे हॉल में रिलीज हो, कोई बात नहीं, जहाँ पे भी रिलीज हो अच्छा चले। क्योंकि
अक्षय कुमार के सिर्फ हॉल में पिट नहीं रहा है मूवी, डिज्नी प्लस हॉट स्टार में भी पिट रहा है। अतरंगी उतना अच्छा मूवी वो भी खास नहीं चला था, और लक्ष्मी बम भी वैसा मूवी था वो भी खास नहीं चला था, और तीसरा ये मूवी है डिज्नी प्लस हॉट स्टार में ये कठपुतली, ये भी शायद लगता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो देखूंगा, आप लोग देखोगे नहीं देखोगे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर। मुझे तो एक डिसेंट, एक थ्रिलर, एक सस्पेंस और एक अच्छा खासा म्यूजिक वाला ट्रेलर है जो मुझे देखकर मज़ा आया, अच्छा लगा, एक दिमाग लगाने वाला ट्रेलर था, वो अच्छा था। अब मूवी बहुत ही कम दिन में आने वाला है तो आप लोग मूवी भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा मेरे लिए कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जान दे देंगे इसके लिए क्या।